सो है गाइस, व्हाट्सएप एंड वेलकम बैक टू माय री अनदर वीडियो। सो गाइस, फाइनली हम केजीएफ चैप्टर 2 का पोस्टर फोटो एडिटिंग करेंगे। सो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले आप अगर हमारे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किए तो जाके फॉलो कीजिए, और इसी तरह और भी इंटरेस्टिंग फोटो एडिटिंग देखने के लिए चैनल को जो सब्सक्राइब कर पा जो बेल आइकन उसे प्रेस कर दो। सो गाइस, मेरा नाम है आयन, चलिए इस वीडियो को एंड तक देखा जाए। सो गाइस, सबसे पहले तो आपको इस बैकग्राउंड को आपको पिक्चर आर्ट में ओपन करना है। फिर आपको जिस फोटो को आप एडिट करना चाहते हो उस फोटो को आप ऐड कर ले। सबसे पहले तो आपको जिस फोटो को आपको एडिट करना चाहते हो उस फोटो को आप बैकग्राउंड को इरेज कर ले। आपको अगर इरेज करना नहीं आता तो आप हमारे इस चैनल पर जाके आप चेक कर सकते हो, मैंने वीडियो डाल दिया, आप चेक कर सकते हो। फिर आपको क्या करना है, आपको सही से एडजस्टमेंट करना होगा। एडजस्टमेंट करने के बाद आप इरेज टूल पर जाके आप इरेज टूल को सिलेक्ट करके ओपेसिटी और हार्डनेस को कम करके धीरे धीरे आप इरेज कर ले। मैं जल्दी कर लेता हूँ, नहीं तो वीडियो जब बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आप सोच रहे हो आपको बैकग्राउंड कहाँ मिलेगा, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, टेलीग्राम पर जाके आप ज्वाइन हो जाइए। फिर आप बहुत सारे PNG एंड नए नए बैकग्राउंड आपको डाउनलोड करने मिलेगा, फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। फिर आपको राइट क्लिक कर देना है। इरेज हो जाने के बाद राइट क्लिक करने के बाद आपको फिर से आपको ऐड फोटो में चले जाना है। ऐड फोटो में चले जाने के बाद मैं 2 PNG में ऐड कर लेता हूँ, एक टेक्स्ट KGF का टेक्स्ट एंड मूवी पोस्टर टेक्स्ट में ऐड कर ले। बैकग्राउंड को हटाने के लिए आपको नीचे चले जाना है, ब्लेंडिंग मोड में जाके आपको मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई कर देने के बाद आपको जो बैकग्राउंड था वाइट वो हट जाएगा। फिर आप इसे नीचे की तरफ लगा दें। फिर आपको क्या करना है, आपको KGF का टेक्स्ट आपको छोटा करके आप नीचे की तरफ लगा दें। ओके, तो हमारा कंप्लीट हो गया टेक्स्ट का। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम राइट क्लिक कर देंगे। ऐड करने के बाद अब फिर से आपको ऐड फोटो में चले जाना है। ऐड फोटो में चले जाने के बाद आपको एक लाइट का PNG आपको ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद आपको इफेक्ट्स पर जाना है। इफेक्ट्स पर जाने के बाद आपको PNG का आपको ब्लर कर देना है। ब्लर करने के बाद राइट क्लिक कर दें, और ब्लैक बैकग्राउंड को हटाने के लिए आपको ब्लेंडिंग मोड में जाके आपको स्किन कर देना है। फिर आपको इस साइड लगा देना ताकि लाइट का रिफ्लेक्शन हमारे ऊपर आए। ओके, तो फिर क्या करूँगा, फिर मैं एक डुप्लीकेट फाइल बनाऊँगा, इस साइड भी लगा दूँगी। ओके, इस साइड लगाने से फोटो में थोड़ी नया लुक आएगा। ओके, मैं जल्दी लगा लेता हूँ। फिर आपको फिर से ऐड फोटो में जाना है। एक सिगरेट का आपको PNG आपको नीचे टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, टेलीग्राम में जाके आपको एडजस्टमेंट कर सकते हो। आप कैसे आप एडजस्टमेंट कर सकते हो, बहुत ही आसान तरीके से। आप अपर्चर को आप कम करके बहुत आसान तरीके से आप देख भी सकते हो एंड बहुत अच्छी तरीके से आप एडजस्टमेंट कर सकते हो। ओके, मैं थोड़ी हार्डनेस को बढ़ाता हूँ एंड इस साइड में रिमूव कर लेता हूँ। अपर्चर को थोड़ी कम करके मैं थोड़ी जूम करता हूँ एंड इसे सही से एडजस्टमेंट कर लेता हूँ। फिर आपको एडजस्टमेंट हो जाने के बाद आपको राइट क्लिक करके आपको एक स्मोक का PNG आपको डाउनलोड करना है। आपको सारे PNG आपको मिल जाएगा, आपको टेलीग्राम के लिंक जाके आपको क्लिक करना है एंड ज्वाइन होना है। ओके, सारे PNG आपको मिल जाएगा उधर। ओके, फिर आपको इसे सही से एडजस्टमेंट करें, सिगर के साथ एडजस्टमेंट कर ले। फिर आपको और एक आपको PNG आपको ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद आपको क्या करना होगा, आपको उस लाइट को PNG आपको छोटा करके आपको सिगरेट के ऊपर लगा देना है। तो मैं लगा लेता हूँ। एंड आपको इस लाइट का PNG को और डीप बनाने के लिए आपको एडजस्टमेंट पर क्लिक करके आपको ह्यू को आपको इस साइड मिलेगा, टेम्प को आपको फुल कर देना है एंड ह्यू को आप माइनस कर दे। सो गाइस, फिर हमारा जो पिक्चर आर्ट का जो स्टेप था वो कंप्लीट हो गया। फिर हम चला जाएंगे लाइट रूम एप्लीकेशन पर, जाके हम कलर को एडजस्टमेंट करेंगे। ड्रॉ टूल में जाके मैं इमेज को 3 डॉट पर क्लिक करके मैं इमेज को सेव कर लेंगे। फिर चला जाएंगे लाइट रूम एप्लीकेशन के अंदर। लाइट रूम एप्लीकेशन के अंदर चले जाने के बाद आपको लाइट को थोड़ी एडजस्टमेंट करना होगा, कॉन्ट्रास्ट को थोड़ी बढ़ाना होगा एंड आपको शेडो को थोड़ी प्लस करना होगा एंड ब्लैक को थोड़ी कम कर देना है, व्हाइट्स को थोड़ी बढ़ाएं। फिर चला जाना है आपको कलर्स पर, टेम्प को थोड़ी बढ़ाता हूँ एंड वाइब्रेशन को आपको बढ़ाना है एंड सैचुरेशन को थोड़ी बढ़ाएंगे। ओके, फिर चला जाएंगे कलर्स पर। कलर्स पर जाने के बाद रेड कलर को थोड़ी बढ़ाएंगे एंड
एंड आपको ऑरेंज कलर को आपको थोड़ी कम कर दूंगी मैं, थोड़ी कम कर दूंगी एंड येलो कलर को मैं माइनस कर दूंगी, सेचुरेशन को मैं माइनस कर दूंगी। माइनस करने के बाद आपको एंड लुमिनेंस को आपको बढ़ाना होगा। लुमिनेंस को बढ़ाने के बाद आप देख सकते हो वाइट टोन ज़्यादा आ रहा है एंड कम करने के बाद डार्क हो जा रहा है। फिर आपको क्या करना है, थोड़ी माइनस कर देना है एंड ब्लू टोन को आपको सेचुरेशन को आपको कम कर देना है। फिर आपको चले जाना है आपको क्लैरिटी पर, क्लैरिटी को थोड़ी मैं बढ़ाता हूँ एंड बिगेस्ट को अभी कम कर देता हूँ एंड आपको चले जाना है शार्पनेस को। चले जाने के बाद शार्पनेस को थोड़ी बढ़ाएंगे एंड मैक्सिंग को थोड़ी बढ़ाएंगे। फिर हम चले जाएंगे फिल्टर वाला ऑप्शन पे, आपको नीचे आपको मिल जाएगा मॉडल नंबर 30 आपको ढूंढे, आपको इस साइड आपको मिल जाएगा मॉडल नंबर 6, मॉडल नंबर 4, मॉडल नंबर 03 आपको सिलेक्ट करना है। फिर आप देख सकते हो जो नया एक फ़िल्टर आएगा वो फ़िल्टर बहुत ही अमेजिंग होगा। इस फ़िल्टर को मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ, राइट क्लिक कर देता हूँ। फिर आप देख सकते हो बिफोर आफ्टर, आप देख सकते हो कलर कितनी अच्छी निकल के आया है। सो गाइस, आज की वीडियो इतने ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जो लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। सो गाइस, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।